सो फिर आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं वोकैबुलरी मींस शब्दकोश और अपने इस बड़े से शब्द भंडार के बारे में, और हम धीरे धीरे उसे कवर करते जा रहे हैं। एंड वो समय दूर नहीं फ्रेंड्स जब हम इससे सेंटेंस बनाना भी स्टार्ट करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को अपने फर्स्ट वर्ड के साथ, जो कि है पीस। ये पीस वो पिज्जा वाला या फिर वो मिठाई वाला पीस नहीं है, ये पीस मतलब है शांति। आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए, मतलब कलेश नहीं चाहिए, मतलब मार पिटाई नहीं चाहिए, अब मुझे शांति चाहिए कि सब लोग शांति से रहे, है ना फ्रेंड्स। ये तो आपके मोरल साइंस की बुक में दिया होगा, पीस शांति। नेक्स्ट है सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा, खट्टा जैसे अचार खट्टा नहीं होता है फ्रेंड्स, वही वाला। जैसे दिस पिकल इज वेरी सोर, ये अचार बहुत ही खट्टा है। हाँ फ्रेंड्स, जैसे हम ले लेते मैंगो कच्चा, सो रॉ मैंगो, तो वो कितना खट्टा होता है ना, खाने में भी उसका अचार बनता है तो भी वो कितना खट्टा होता है ना। जो यार सोर मतलब होता है खट्टा, एंड इसी का हम एंटोनिम कह सकते हैं स्वीट, मतलब मीठा। नेक्स्ट है ट्रेजिक। ट्रेजिक मतलब है दुखद, ये दुख नहीं है, इसका मतलब होता है दुखद, मतलब बहुत दुख वाली चीज जब हो जाए, ऐसा बहुत दुखी हो जाए तब हम ट्रेजिक का यूज कर देते हैं। हम कहते हैं बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया उसके साथ, मतलब बहुत ही दुखद घटना हो गई उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट, दिस इज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट, यह बहुत ही दुखद घटना है, यह बहुत ही दुखद घटना है। फ्रेंड्स हम कहते हैं ना, अरे उसके साथ बहुत ही दुखद घटना घटित हो गई। किसके साथ? उसके साथ बड़ी दुखद घटना घटित हो गई, रोहित के साथ बहुत दुखद घटना घटित हो गई, हो सकता है उसका पैर टूट गया, कहते हैं ना। नेक्स्ट है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलाना, जब हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं ना, उसे फुलाते हैं फू करके, तब इन्फ्लेट का यूज कर सकते हैं। एंड इसी का इंटोनिम मैं आपको बता दूं, डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब हवा निकालना, जब हम फुलाते हैं बीच में छोड़ देते हैं, उसके अंदर से सॉरी हवा नहीं निकल आती और बैलून पचक जाता है एकदम, वही वाला। एक सेंटेंस लेते हैं इसे इन्फ्लेट का, वी आर इन्फ्लेटिंग द बैलून्स, हम लोग गुब्बारे फुला रहे हैं। हाँ मैंने भी आपको बताया ना, गुब्बारे जब हम फुलाते हैं, सो वही वाला इन्फ्लेट का मतलब हो जाता है फुलाना, यानी हम लोग गुब्बारे फुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुब्बारे फुला रहे हैं। नेक्स्ट है डिसोलो। डिसोलो का मतलब होता है इनकार करना, आज्ञा ना देना या फिर ना कर देना, किसी चीज के लिए ना कर देना। एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, आई डिसोलो हिम टू गो देयर, मैंने उसे वहां जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, वहां जाने से ना कर दिया। अब हो सकता है वहां पे बड़ा सा कुआं हो और बच्चे गिर जाए, तो चलो अब जेसीबी लेकर जेसीबी से उठाओ उन सबको, है ना। तो यानी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, या फिर भूतिया घटनाएं, आजकल तो हम देखते ही हैं भूतिया घटनाएं, गाँव वगैरह में भूतिया घटनाएं होती रहती है, वो घर में भूत है वहां मत जाना, तो डिसोलो करता हूं मैं तुम्हें वहां जाने से। फीवर। फीवर का मतलब होता है कमजोर। अब वीक का मतलब भी होता है कमजोर, ये वीक मतलब हफ्ता वाला नहीं, डब्ल्यू ई ए के वीक वाला मतलब होता है कमजोर। फीवर को हम कमजोर भी कह सकते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग को ताकतवर, जो इसका एंटोनिम होगा फीवर का। आई एम फीलिंग वेरी फीवर, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। अब हम कमजोर का महसूस करते हैं जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं, हम बहुत बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं। बिस्तर पे पड़ जाने का मतलब कोई काम ना कर पाए, कुछ काम वाम ना कर पाए, एकदम सुस्त पड़ जाए, बीमार पड़ जाए, तब हम वहाँ फीवर का यूज कर सकते हैं। मैं आज बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है उनकी बॉडी में पेन हो रहा हो, तो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, ऐसे मुट्ठी भी ना बांध पाए हो, ये तब फ्रेंड्स आप फील करते हो जब सुबह सूट उठते हैं तो अपनी मुट्ठी तक नहीं बांध पा रहे हैं, बहुत कमजोर महसूस करते हैं ना खुद को। लेकिन जब आप ब्रश करके एकदम फ्रेश हो जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी में एकदम ताकत आ जाती है। सो आज हमने कुछ वोकैबुलरी पढ़ी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में बताइएगा कि मैंने स्टडी करवाते समय कहाँ मिस्टेक की, एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं सामने मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।